नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है वीकेंड चर्चा का। सरकार समय समय पर जनता की सहूलियत के लिए तमाम अभियान चलाती रहती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के तहत प्रदेश में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, अवैध वाहनों के संचालन और अवैध वसूली एवं सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभियान तो सरकार द्वारा कई चलाए जाते हैं। हाल ही की बात करें तो फिर चाहे सफाई अभियान की हो या गड्ढा मुक्ति अभियान की, पर कहीं ना कहीं सरकारी अमला सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ ही जाते हैं, जिसके कारण सरकार की योजना कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाते। वहीं आज से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार ने एक और पहल की है। बता दें, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार ने आज से एक पहल शुरू की है। अभियान चलाया जाएगा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। बता दें, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेंगे। और इस अभियान के लिए योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दिए हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से अश्वनी साही जुड़ चुके हैं और सपा से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाज सेवी विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत अश्वनी शाही से करूंगी। अश्वनी जी, योगी सरकार समय समय पर अभियान चलाती रहती है, वहीं आज से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है जो 15 अप्रैल तक चलेगा, पर कहीं ना कहीं सरकारी अमला सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। उदाहरण के लिए गड्ढा मुक्ति अभियान भी देख सकते हैं। अतिक्रमण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी राज्य के लिए और किसी भी शहर के लिए। शहर को साफ करना है, अगर राज्य को इस तरीके से साफ सुथरा और बेहतर देखना है, तो उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था उसमें एक तरह से ये भी आता था कि अतिक्रमण करके लोगों ने सड़कों के किनारे घर बना लिए, नालों पर मकान बना लिए, सड़कों पर बाजार बस गया। तो ये सब शहर की एक स्वच्छता में जो है वो एक तरह से बदनुमा दाग लगाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से अतिक्रमण के खिलाफ समय समय पर चलता रहता है और इसी अभियान के तहत कई जगह बुलडोजर चले, कई जगह माफियाओं ने भी अवैध कब्जा कर रखा था वहां पर, उनसे खाली कराकर और जनता के लिए मकान बनाकर भी दिए गए वहां पर कि बेहतर और साफ सुथरी व्यवस्था हो। तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय आज से नहीं, शुरू से अभियान चल रहा है। लेकिन आपने कहा गड्ढा की बात, देखिए जो सड़कें बनती हैं उसमें गड्ढे होते हैं जगह जगह पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि इतना बड़ा प्रदेश है और सरकारी अमला जो है हर जगह बहुत तत्परता से काम करता रहा होगा, अक्सर उनको डांट पड़ती है उसके लिए और वो काम सुधारा जाता है, बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जाती है। देखिए कितने लोगों का हमने देखा अभियान दो दो बार चलाया गया गड्ढा मुक्ति के लिए, अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं हम। मयूरी जी, अगर मैं कह रहा हूँ कि 25 करोड़ लोगों का लगभग देश है और सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक देखिए और इधर जो है महाराजगंज से लेकर झांसी ललितपुर तक देखिए, तो हमारा क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और इसमें काम होता रहता है। एक जगह मान लीजिए गड्ढे अगर वो किए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे बरसात के बाद फिर जो गड्ढा हो जाता है बरसात में, फिर से भरने का काम चालू हो जाता है। तो ये सतत प्रक्रिया है, वो होता रहेगा। और ऐसा आप ये सोचती हैं कि नहीं एकदम स्मूथ सड़कें हो जाएंगी, तो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं उसको देखिए, वो तुरंत तो दूसरे तरीके से दूसरे प्रक्रिया से चलती है। कहीं नगर निगम की सड़कों में कभी टूट जाता है, कभी जो है उसको फिर मरम्मत की जाती है, फिर साल दो साल चार साल चलती है सड़कें, फिर टूट जाती हैं। तो ये तो सतत प्रक्रिया है और ये होता ही रहता है। ये आप सोचिए कि गड्ढे भर गई और एकाएक जो है 50 साल के लिए हो जाता है, तो ऐसा असंभव है। लेकिन उसमें
हम लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए और सड़कों पर से अतिक्रमण हटाकर सड़कों को और शहरों का एक सुंदरीकरण किया जाए, पार्कों का सुंदरीकरण किया जाए। क्योंकि देखिए आज हम अभी कितना बेहतर G20 की जो है हम लोगों ने मेजबानी की, लखनऊ शहर ने की, उत्तर प्रदेश ने की, और धीरे धीरे इतना जो है 35 लाख करोड़ का वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो शहर का एक खूबसूरती बीमारू राज्य कहलाने से बेहतर है कि हम एक बेहतर और सुंदरता की तरफ बढ़ें, जहां कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहर सुंदर हैं और धीरे धीरे पूरा उत्तर प्रदेश सुंदर है। जी ठीक है, हमारे साथ विवेक पांडे सपा से जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। विवेक जी, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार लगातार बेहतर पहल करने में जुटी हुई है। देखिए, पहले तो मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करता हूँ के साथ अभी बातों को रखने के अभिव्यक्ति चाहूंगा। मैं एक सवाल पहले पूछना चाहूंगा, अतिक्रमण हटाने की जो कवायद है, अतिक्रमण हटाने की जो मंशा है, प्रयास है, वो बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन आप अतिक्रमणकारी मानते किसको हैं? इसका भी जवाब दीजिए। जिस देश में सरकार का दावा है कि 1 करोड़ लोगों को जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है, ये वो कौन से लोग हैं जो कि मुफ्त राशन की वजह से इस देश में जीवित है, या उनको 5 किलो राशन के लिए सरकार पे आश्रित होना पड़ रहा है? क्या अतिक्रमणकारी जिसको आप कहते हैं, जो बार बार एक शब्द आ रहा है अतिक्रमण हटाने की बात, बिल्कुल अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है, लेकिन अतिक्रमण आप किसको मानते हैं? जो बालू खनन या जो अवैध तरीके से जो गिट्टी मोरंग की सप्लाई हो रही है, क्या उसको नैसर्गिक अतिक्रमण नहीं माना जाएगा? चलिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ सरकार की नियति और नियत की। उन अन्नाओं में मनु अवस्थी और सचिन मिश्रा पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट थे, अंशु गुप्ता नाम के वहां के खनन माफिया की खबर चला दी, तो उससे आहत होकर के वहां भाजपा के जो विधायक हैं गुप्ता जी सदर के, उन्होंने इन दोनों के खिलाफ FIR करा दी। अब आप बताइए, नैसर्गिक अतिक्रमण के खिलाफ किसी माफिया को उजागर करना, अगर उस पे सरकार के विधायक ही उसका हिस्सा हैं और उसको कहीं ना कहीं से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज स्थिति यह कि मनु अवस्थी और सचिन मिश्रा को उन्नाव छोड़ना पड़ा खबर दिखाने की वजह से, और लखनऊ आकर के पुलिस से सिक्योरिटी की मांग करनी पड़ी पुलिस के अधिकारियों से। तो भाई मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि योगी सरकार अतिक्रमण हटाना चाहते हैं या संरक्षित अतिक्रमण को छोड़ करके अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, पहले इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा सवाल उठाता हूँ, गड्ढा मुक्त करने के दावे 100 दिन में किए गए थे, भाई योगी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो भाजपा ने उनको इतना ज्यादा फायर ब्रांड प्रोजेक्टेड कर दिया है कि अधिकारी अब उनको बस कागजी रिपोर्ट से ही खुश करना चाहते हैं। मॉनिटरिंग, एक अच्छा प्रशासक होने के लिए एक मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि योगी जी के अंदर जिसकी कमी है, उनकी ना मॉनिटरिंग अच्छी है और ना ही उनके निर्देशों को अधिकारी कुछ समझते हैं। इसका कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। 100 दिन के गड्ढा मुक्त प्रदेश के जो दावे थे, आप देखिए कैसरबाग से आप चलिए जरा, बलरामपुर अस्पताल की तरफ, चाहे आप सिविल कोर्ट की तरफ चलिए, आप जो गड्ढों के दावे कर रहे थे, मुझे लगता है कि गड्ढे के दावे पहले कार्यकाल में किए गए थे गड्ढा मुक्त करने के, अब तक वो गड्ढे भर ना पाए पूरी तरह से। तो अधिकारी योगी जी को मुख्यमंत्री की नजर से देखते हैं या नहीं, इस पे भी संशय होता है। भाई हर काम के लिए योगी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 75 जिले और कई संवैधानिक संस्थाएं उनके अधीन है, लेकिन मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारियां जिनकी है, क्या योगी जी उनसे उनकी सही मॉनिटरिंग करवा पा रहे हैं? ये एक सवाल उठता है। भाई सरकार की नियति की बात अगर करें, लखनऊ में जैसे पेयजल की बात करिए तो पानी में बालू और मोरंग आ रही है, 75 जिलों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, राजधानी लखनऊ में बालू आ रही है पानी में, पीने के पानी की सप्लाई जब होती है सुबह मिट्टी आ रही है पानी में, दावे तो बड़े बड़े हैं। 22 में तो सबसे साल मिला था इनको जल सप्लाई को लेकर के, जल को लेकर के, जल संरक्षण की नीतियों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को। तो मुझे लगता है कि बातों से अगर सुशासन या व्यवस्थाएं अगर कायम हो जाती तो मुझे लगता है कि इतने बड़े अमले की, प्रशासनिक अमले की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी बात, अश्विनी जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके पास विवेक शर्मा के पास मैं चलूंगी। विवेक जी बहुत ही अच्छे और प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, मगर थोड़ा सा तर्क देते समय भूल जाते हैं कि शाहजहांपुर में एक पत्रकार जागृत स्वरूप की हत्या किस तरीके से जलाकर कर दी गई थी, और संभल में अभी तो, अभी 5 साल पहले जब इनकी सरकार जैसे ही हटती है तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जाते हैं और कमरे में किस तरीके से पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की बदसुलूकी की जाती है उनको शायद इन लोगों ने भूले। सरकार जाने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, ये 2017 के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, तो हमारे विवेक भाई इन सब चीजों को भूल जाते हैं। दूसरी बात,
अतिक्रमण की बात आप कर रही हैं, तो ये गड्ढों वो से निकल कर जो है अतिक्रमण से निकल कर ये बालू पर और पानी पर आ गए। विवेक जी देखिए बहुत बड़ा प्रदेश है और इन सब चीजों में कहीं अगर आपके घर में बालू आ गया तो उसकी शिकायत होती है, उसको दूर किया जाता है, पानी का स्टेटा नीचे चला जाता है। लेकिन आप अपने अड़ोस और पड़ोस में देखिए जिस बोरिंग पर रोक है कि कोई भी आदमी बोरिंग नहीं कराएगा, उसका परमिशन लेगा, लेकिन बगैर परमिशन के कितने लोग बोरिंग करा कर रहे हैं। सबसे बड़ी इस समय समस्या है वो जाम की है और देखा जाए तो ई रिक्शा जो है उनको परमिट नहीं मिलता है जिसके कारण धड़ल्ले से चल रहे हैं ई रिक्शा। देखिए मयूर जी, ई रिक्शा का रूट तय किया गया है कि गली मोहल्लों में ई रिक्शा चलेंगे, लेकिन सर, बाहर जिस चल रूट रहे पर प्रतिबंधित भी किया गया है वहां भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, 19 रूटों पर प्रतिबंधित किया गया है। एकदम आपकी बात सही है, उसमें धरपकड़ होती है और वो लोग लेकर जाते हैं। देखिए प्रशासन अपना काम करता है, ये लोग अपना काम करते हैं। आप किसी के ऊपर लाठी लेकर और गोली तो चला नहीं दिया जाएगा, वो भी बेचारे श्रमिक हैं, तो उनको धीरे धीरे समझाकर उनको पकड़कर कुछ दंडित करके उनको अपने रूट पर लाया जाता है कि आप चलिए। अगर ये कहा जाए आप, अब लखनऊ में देखिए कितनी समस्याएं हैं, लोग उल्टा चलते हैं, पॉलिटेक्निक चौराहे पर जहां से अब यू टर्न की व्यवस्था है वहां पर लोग घुसते हैं, तो ये तो एक आम जन की भी समस्या है। सारी समस्याओं का सुधार का जिम्मा सरकार को नहीं मिलता है, आम सिटीजन को भी चाहिए कि अपने शहर को स्वच्छ रखे, अपने शहर के यातायात को सुरक्षा सही सुचारू रूप से चलने में मदद करे। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, बड़े आराम से सरकार निकम्मी है, कह दे कह के लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसे विवेक भाई ने सरकार निकम्मी कह दिया, बात वो नहीं है। अश्वनी जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यवस्था इसके लिए करनी ही पड़ेगी, परमिट ना होने के कारण धड़ल्ले से रिक्शा चल रहे हैं। देखिए परमिट उस रोड का होता है कि इस रोड पर नहीं चलेंगे, गलियों में चलने का परमिट नहीं भी चल रहा है, तो क्या किया जाए? आप एक पत्रकार होने के नाते आप ही सुझाव दे दीजिए कि उनके साथ कौन सा व्यवहार किया जाए। आप बताइए, वो श्रमिक है, उनको पैसा वो कमा रहे हैं, क्या व्यवहार किया जाए? मयूर जी, या आप सुझाव दे दीजिए, आप अपने चैनल पे आइए, सुझाव दे ही दीजिए। आरटीओ डिपार्टमेंट के अधिकारी ही जरा जाके चेक करिए कभी। सर, परिवहन और यातायात पुलिस द्वारा क्यों नहीं किया जाता, आप पत्रकार से पूछ रहे हैं। नहीं, आप अगर कह रही हैं बार बार कि परमिट नहीं है, यातायात वो सब किया जा रहा है, आप जब नहीं मान रही है तो आप सुझाव दीजिए। अश्वनी जी, परिवहन विभाग द्वारा यातायात की अनदेखी के कारण ही ऐसा होता है ना, तो आप पत्रकार से ही कह रहे हैं सुझाव दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए अब देखिए आपने कहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको कहा सुझाव दे दीजिए, आपने सुझाव नहीं दिया। सर, आप ये मानते हैं कि नहीं कि यातायात की या परिवहन विभाग की लापरवाही है या नहीं? नहीं, कोई ये आपकी लापरवाही है कि नहीं, जो मैंने कहा आप सुझाव दीजिए। आपने एक साधारण एक क्या कहते हैं आम नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य नहीं निभाया, कोई सुझाव दिया और आपने डिपार्टमेंट पर जो है आरोप लगा दिया, यही है कमी हमारी। दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपने अंदर हम झांककर नहीं देखते हैं। आप भी सुझाव दीजिए। जो जाम की समस्या कहीं ना कहीं परिवहन विभाग यातायात की पुलिस द्वारा ही अनदेखी की जाती है, तभी इस तरह की समस्या पैदा हो रही है। अपना काम एकदम बेहतर कर रहे हैं और जो काम करने में निपुण नहीं है, जो काम करने में पारंगत नहीं है, उसका सस्पेंड करके उसको हटाया भी जाता है, बर्खास्त भी किया जाता है। ये सभी सरकारें करती हैं, मगर एक जनता की भी, आम नागरिक की भी कर्तव्य होता है, इसका भी निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, विवेक शर्मा। विवेक जी, आप हमेशा से जनता के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाते रहे हैं, आप इस अभियान को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो प्राइम टीवी को बहुत और सेकंड टाइम हमारे शाही साहब से मुलाकात फिर हो रही है आप ही के माध्यम से। तो अभी शाही साहब ने एक आपसे प्रश्न कर दिया था कि पत्रकार अपना सुझाव दे क्या करना है। मयूरी जी, आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार जो चुनी गई है वो क्या केवल और केवल पत्रकारों के द्वारा ही चुनी गई? जनता ने चुन के आपको भेजा है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपकी सरकार की बनती है। आप एक पत्रकार जो यहाँ पर आपसे बात कर रहा है, आप उसी के ऊपर लगाते रहे कि आप ये काम करिए। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? केवल आपके वातानुकूलित कमरे में बैठकर केवल और केवल कागजी कार्रवाई करते हैं। अश्वनी जी कह रहे हैं कार्रवाई बिल्कुल की जा रही है, उनके तरफ से पूरा पूरा काम किया जा रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ मयूर जी, आपके कितने कार्यकर्ता और ये जो आपके अधिकारी हैं कितना काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार काम कराना चाहती है, लेकिन ये अधिकारी नहीं करना चाहते। शाही साहब, मैं दोबारा आपको इसी माध्यम से बता रहा हूँ, आपको मैंने पहले भी इंगित किया था जिस समय पर बारिश हुई थी और पूरा जलमग्न हो गया था जानकीपुरम क्षेत्र, मैंने उस समय भी आपसे कहा था
कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है अच्छा काम करने की, लेकिन आपके अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और आप यहाँ पर स्टूडियो में आप एक पत्रकार से पूछ रहे हैं कि वो बताए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्यों अधिकारियों को आप इतना सैलरी दे रहे हैं, आप उनकी सैलरी बंद कर दीजिए, सबको हटा दीजिए, केवल पत्रकारों को ही बिठा दिए, वही हमने आप आपको सब बताएंगे कि उनको क्या कराना है, वही अपने कर्मचारियों को वहां पर काम पर लगाएंगे। ये गलत तरीका है। शाही साहब, आप एक वरिष्ठ भाजपा के प्रवक्ता हैं और आपकी सरकार चल रही है, आप डबल इंजन की सरकार है, आपके पास तो डबल पावर होनी चाहिए। एक पत्रकार से आपको ये शोभा नहीं देता, माफी मांगिए। और दूसरा, मैं एक समाज सेवी होने के नाते आपको एक जागृत करना चाहता हूँ, ये कब कब अभियान नहीं चलाया, ये आज कोई पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं आया है, इससे पहले भी जो यहाँ के अधिकारी थे जो कि केवल समाचार पत्रों तक ही सीमित होकर रह गए, लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे कि हम अतिक्रमण दूर करेंगे। क्या अतिक्रमण दूर किया और उससे ज्यादा फैल गया? कौन अधिकारी यहाँ पर देखता है? केवल एक दिन या दो दिन या तीन दिन, बहुत ज्यादा अगर चार दिन उन्होंने अभियान चला दिया, उसके बाद पांचवें दिन कोई देखने नहीं आता, वहां पर फिर वही हो जाता है। आप कह रहे हैं कि ये ई रिक्शा जो चल रहा है इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ई रिक्शा से नुकसान नहीं हो रहा है, उसको चलाने वाले से नुकसान हो रहा है। 10 से 12 साल के बच्चे 15 साल के बच्चे उस ई रिक्शा को चला रहे हैं, जिनको वाहन चलाने का अनुभव नहीं है, उनके हाथों में ई रिक्शा दे दिया गया। इस पर भी अश्वनी जी का साफ तौर पर यही कहना था कि उस पर लाठी डंडे तो हम नहीं चला सकते। मयूरी जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये पत्रकार थोड़ी ना उसको रोकेगा, ये तो आपका शासन प्रशासन, आप उसके लिए कुछ निकालिए कि 15 साल से ऊपर के बच्चे। अश्वनी जी, पुलिस की संलिप्तता रहती है, अवैध वसूली की जाती है। देखिए, कोई भी विवाद अछूता नहीं है, चाहे वो पुलिस विवाद हो, चाहे वो नगर निगम हो, नगर विकास हो, PWD हो, यहाँ पर विभाग इसमें कार्यरत है, सब इसमें जिम्मेदार है, कोई अकेला जिम्मेदारी नहीं किसी की। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, ये जिस समय पर ये बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, जहां पर गाड़ियों पे खड़ी होने की जगह नहीं है, वहां पर तीन तीन चार चार मंजिला वहां पर आप ये बना देते हैं, दुकानें बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स खड़े कर देते हैं, वहां पर कहां आदमी गाड़ी पार्क करेगा? गाड़ी रोड पर पार्क होती है, उसको कौन देखेगा? आपका ही जिम्मेदार विभाग देखेगा, लखनऊ विकास प्राधिकरण देखेगा। नगर निगम की संलिप्तता से ये जो अवैध मंडियां चलती हैं, सब्जी मंडी लगती है, फल मंडी लगती है, कभी आप घूमिए हमारे टेढ़ी पुलिया चौराहे पर, कभी आप टेढ़ी पुलिया चौराहे पर आइए, और जहां पर ये सेंसिटिव एरिया है, आपको पता है टेढ़ी पुलिया चौराहे पर सेंसिटिव एरिया क्यों है? इसरो का दफ्तर है, यहाँ पर इसरो का दफ्तर है, इसके तीनों तरफ मैं आपको तीन, क्योंकि बैक साइड में कोई ज्यादा घर नहीं बने हैं इसलिए वहां पर अतिक्रमण नहीं होता, तीनों साइड में अतिक्रमण है। सामने आपके टेम्पो स्टैंड लगता है, इसके अलावा जो माल वाहन है, माल जो ढोने वाले वाहन है, वो वहां पर लगाए जाते हैं, वहां खड़े किए जाते हैं, सब्जी मंडी लगती है, फल मंडी लगती है। इतना सेंसिटिव एरिया होने के बावजूद दैनिक जागरण कार्यक्रम करता है, NVT कार्यक्रम करता है, अमर उजाला कार्यक्रम करता है, सारे सारे पत्र समाचार पत्र वाले भी परेशान है इस अतिक्रमण से, लेकिन सरकार परेशान, सरकार के अधिकारी परेशान नहीं, सरकार भी परेशान है। जी ठीक है विवेक जी, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है। मयूरी जी, दो सेकंड में मैं आपकी बात को पूरा करूंगा। नहीं नहीं, देखिए एक बात सच है विवेक भैया जो कह रहे हैं, इस बात को समझिएगा कि जितने ठेके हैं, पूरे लखनऊ की बात कर रहा हूं मैं, आप लखनऊ राजधानी में देख लीजिए, लगभग हर ठेके के बाद जमावड़ा लग जाता है शाम को, जितने भी मॉडल शॉप हैं, जितने भी शराब की दुकानें हैं, जमावड़ा हर दुकान के बाहर लग जाता है शाम को 6 बजे के बाद से। हम सड़कों से निकलते हैं, कई बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और इस बात को प्रशासन भी देखता है, लेकिन पता नहीं आके मूंद लेता है, क्या रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको समझना है। रोडों पर लगाने की फल मंडी नहीं है भाई, आप किसी को व्यापार दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, विवेक भैया की बात बिल्कुल जायज है कहना है उनका, वो वहां पर सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है, ये चीज देखनी चाहिए। मेरा सर्वदल निवेदन है कि अपने अधिकारियों को जागृत कीजिए, फिर आपके इसी माध्यम से, आपके प्राइम टीवी के चैनल के माध्यम से मैं आपसे फिर निवेदन, सर्वदल मेरी प्रार्थना है कि अपने अधिकारियों को जागृत करिए, केवल वातानुकूलित कमरे में बैठकर केवल आदेश निर्देश की जारी ना करें, केवल दिखावे के लिए पानी में ना उतरें, उसको एप्लीकेबल भी करवाएं। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि सीएम योगी ने खुद आदेश दिया है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाया जाएगा।
वीकेंड चर्चा में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार।